यार तुझे जब देखो अपने कैमरे की पड़ी रहती है क्या? मॉम दिखा रहे हैं कि मेरा इतना डिटेक्ट हुआ है। हे गाइस, तो मैंने प्रीति को बुला लिया है और वो अभी आने वाली है, बिल्कुल जस्ट आने वाली है। तो प्लान क्या है, प्लान ये है कि जैसे ही वो आएगी ना तो मैं उसका फ़ोन लूँगा, उसका फ़ोन लेके चुपचाप से अपना, मेरे पास जो दूसरा नंबर है उसका नाम सेव कर दूँगा बैंक के नाम से। तो जैसे ही उसके पास टेक्स्ट मैसेज आएगा वो बहुत ही ज़्यादा बौखला जाएगी और बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड रहो, अभी आपके सामने बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। हेलो, हाय, इतनी देर क्यों लग गई आने में? यार बहुत ठंड थी तो मैं धीरे धीरे गाड़ी चला के आती हूँ, मुझे बहुत ठंड लगती है। यार तूने कैमरा ऐसे शुरुआत से क्यों लगाया हुआ है? तूने पहले ही सेटअप करके रखा है क्या? हाँ यार, वो मैं लाइट वगैरह टेस्ट कर रहा था। ठीक है ठीक है, ये देख मैं अपने प्रोडक्ट्स बता देती हूँ तेरे को। ये मेरे दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? ठीक है, तो तू मुझे ना इनमें वो कर दियो, मतलब इसमें मेरे को फोटो क्लिक करवा दियो। अच्छा, तूने वो सैंपल भी तो लेके रखे थे अपने फ़ोन में? हाँ, ऐसे लेके वो मेरे एक्चुअली व्हाट्सएप से डिलीट हो गए हैं। तू अपना फ़ोन दियो, देख लूँ मैं। हाँ देख, मुझे सेम ऐसे ही चाहिए, मतलब सेम तो नहीं आ पाती बट ऐसे, मतलब इन चीज़ों पे फोकस रख के थोड़ा मुझे ब्लर करके ऐसे। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? दिस एंड दिस। ठीक है, मैं फोटोज देखना, अब तक तू निकाल ले, कुछ निकाल रहा हूँ। ऐसे 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 करके खींचना, ऐसे करके, ठीक है? हाँ, मुझे इनके बारे में क्या क्या बोलना है मुझे तो ये भी याद नहीं है यार। चले फोटोज क्लिक कर दूं तेरे? हाँ कर दे बस, ठीक है। ऐसे पढ़ पढ़ के बोल दूंगी ना यार, इसमें क्या हो रहा है। चल चलो, यही बैठे बैठे नहीं कर सकते ऐसे? नहीं। लाइक इसके ऊपर से? नहीं। तो फिर कैसे करेंगे? वो मैं करवा रहा हूँ। देख लिया सब? मैं ब्लर तो नहीं आ रही? ये मैं ना वन बाय वन करके मैं यहीं रख रही, वन बाय वन करके दूंगी। और ना इनके एक सिंगल खुद का पिक्चर भी खींचना है तो ऐसे यहाँ पे ग्रीनरी में अच्छा आ जाएगा। ठीक है, मैं ठीक लग रही? दो तो हो गए, वो वाला प्रोडक्ट लाके देख। हाँ तो दो फोटोज क्लिक हो गए, अब देखा मेरे ख्याल से इसका ये और रह गया और एक और प्रोडक्ट और रह गया। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, अच्छा आप पहुँच गए। तो एक्चुअली एक काम करना, आप वहाँ पे जाओ जो पहली वाली गली आएगी ना, हाँ कॉलोनी में घुसते जो पहली गली आएगी ना, पहली गली में जाके राइट टर्न ले लेना और जो पहले हीरल मेंशन पड़ेगा ना, उसको पहला ही घर पड़ेगा हीरल मेंशन, वहाँ पे जाके घंटी बजा देना और वहाँ पे मम्मी होंगी, उनसे उनको दे देना, डिलीवर कर देना। ठीक है, मेरे को एक बार वहाँ पहुँच के कॉल कर लेना। कि इतने सारे पार्सल रोज क्यों आते हैं? लॉटरी लगी है क्या? रोज पार्सल, हेलो भैया, हेलो भैया, हेलो भैया। अरे लॉटरी वॉटरी नहीं लगी पागल, ये सब तो मैंने विंजो से कमाया है। विंजो से? विंजो क्या है? अरे विंजो है ना, पता है इंडिया का बिगेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लूडो, क्रिकेट, सांप सीढ़ी, पूल जैसे बहुत सारे गेम्स हैं और इनको खेल के अपन 50 लाख से भी ज़्यादा जीत सकते हैं। ओह माय गॉड, तूने और पता है बात तो सुन, इतना भी नहीं, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप फ्री में खेलना चाहो तो फ्री में भी खेल सकते हो, पेड खेलना चाहो तो पेड भी खेल सकते हो। तो ये ऐप है? हाँ ये ऐप है। और एक और चीज़ बताऊँ इसके बारे में, यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स रहते हैं ना, सारे के सारे रियल होते हैं, तो अपने जीतने के चांसेस बिल्कुल फेयर होते हैं। यहाँ पे कोई बॉट या कंप्यूटर नहीं होता जिसमें अपन हार जाएंगे तो अनफेयर हो जाएगा या फिर उनके पास ज़्यादा कुछ है, सब कुछ इक्वल होता है। एक और चीज़ बताऊँ, सबसे अच्छी चीज़ तो मैं बताना भूल गया, विंजो के अंदर खुद का एक स्टोर होता है जहाँ पे कमाए हुए कॉइन से आप मिंत्रा के कूपन्स और ये डोमिनोज के, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, इन सब के कूपन्स ले सकते हो, साथ ही साथ इनको विड्रॉ कर सकते हो और अच्छे अच्छे डिस्काउंट ले सकते हो। वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी ऐप है, तो मतलब मैं भी डाउनलोड करके खेल सकती हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती है यार। ओके, तो मैं अभी डाउनलोड करती हूँ इसको। ये देख, इस पे ये स्पिनर है ना, इसको 7 दिन तक अगर तू रोज घुमाएगी ना, तो अगर तेरा लक अच्छा रहा तो तेको KTM, रॉयल इनफील्ड, iPhone 13 जैसे मेगा प्राइसेस भी मिल सकते हैं। अरे भगवान, ये तो बहुत अच्छी ऐप है यार। हाँ देख, अभी तूने डाउनलोड करा है ना इस लिंक से, तो तेरे को 50 रुपए का वो भी मिल गया होगा। वाओ, वेलकम बोनस, है ना? बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा है यार, है ना? चल ठीक है, तो अब ये सब तो हो गया, तू अपना उस पे फोकस कर।
क्या लेना था अपन को इसका ये ठीक है ठीक है और कुछ तो नहीं चाहिए तेरे को मैं जाऊँ फोटो क्लिक करा के आऊँ हाँ इसकी फोटो क्लिक कर दे बस ठीक 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 क्लोजअप शॉट हनी क्या हुआ यार ये मेरे सेंट्रल बैंक से मैसेज आया है क्या हो गया काय का मैसेज आया ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपका बैलेंस निल है पागल है क्या मतलब उनने ऐसा लिखा खरीदा होगा ना उनने बकायदा ये मेंशन किया है कि जो मेरा बैलेंस था वो कट गया है पागल है क्या ऐसा नहीं होता मेरे पूरे 60,000 कट गए उसमें लिखा है ऐसा ठीक है मैं आ रहा हूँ एक सेकंड मेरे पूरे ये पैसे ये माइनस में क्यों आ रहे हैं यार अरे तो दिखा तो सही भैया यार मैंने कोई शॉपिंग भी नहीं करी अरे मैं देख रहा हूँ ना तू पहने क्यों कर रही है अच्छा एक सेकंड वहाँ पे आके बैठ जा चल मैं देखते हैं वहाँ पे बात करते हैं कस्टमर केयर से बात करते हैं चल चल ना वहाँ पे बात करते हैं चलती नहीं है यार तुझे जब देखो अपने कैमरे की पड़ी रहती है क्या जब देखो अपने कैमरे के साथ खेल रहा है इधर आके देख लें क्या हुआ है अरे 2 मिनट रुक मेरे को इनका नंबर नहीं पता और मेरे को इनका नंबर मिल भी नहीं रहा है देखा जब अपने कैमरे के साथ खेलता रहता है अरे यार मैं उसका फोटोज चेक कर रहा था ना ठीक है रुक मैंने यार यार एक बात बता मैं मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं और ये मेरा पूरा अमाउंट दिखा रहे हैं कि मेरा इतना डिडक्ट हुआ है ये फेक यार ये फेक कैसे हो सकता है अगर फेक होता तो इसमें ऐसे माइनस करके मेरा अमाउंट तो नहीं लिखा आता फेक होगा मैं देख रहा हूं मेरा अमाउंट उनको पता कैसे फेक होता है तो कभी मेरे को फेक मैसेज नहीं आया और एक आध एक बार आया था तो उसमें साथ में झूठा झूठा लिखा होता बट इसमें तो मेरा है ही नहीं मैम ये अमाउंट मेरा है मैं क्या बोल रही हूँ भैया मेरे को मैं कर रहा हूँ देख रहा हूँ मैं कर रहा हूँ मैसेज तो बैंक का ही लग रहा है यार इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दिखा मतलब बता रहा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करा है क्या तूने कोई फोन वोन ऑर्डर करा था क्या बजाक मत कर इस टाइम मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया तुझे पता तो मैंने कुछ भी नहीं किया तो फोन वोन ऑर्डर करा होगा तभी तो आ रहा है यार वरना इतने सारे पैसे कहाँ से कट जाएंगे तो कोई वेबसाइट पे तो नहीं गई थी उल्टी सीधी मेकअप वगैरह की वेबसाइट पे गई हो ऑनलाइन इंटरनेशनल कुछ मंगवा लिया हो कभी कभार होता है ऐसा ही कस्टम ड्यूटी भी लग जाती है मैं वेबसाइट पे गई थी मैंने सिर्फ अपना नंबर वंबर डाला था और ईमेल डाला था बट मैंने अपना कार्ड नहीं डाला कहीं पे भी आर यू श्योर कि तूने किसी मेकअप वगैरह की वेबसाइट पे ऐसा कार्ड वार्ड नहीं डाला था मैंने सिर्फ अपना नंबर और एड्रेस डाला था और फिर जब उन्होंने अमाउंट बताया तो मैंने कार्ड नहीं डाला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बता रहे थे और वो इतना नहीं बता रहे थे ये तो मेरा पूरा बैलेंस ले गया यार तो एक बार इनको कॉल करना अच्छा ऐसा कर कस्टमर केयर पे कॉल कर एक बार ये देख कस्टमर केयर पे मैं नंबर निकाल इनका नेट पे सफारी पे सेंट्रल बैंक कस्टमर केयर लो बात करो क्या बोलेंगे बात करो बात कर लेना बात करो क्या दबाती हूँ उसके मेरे को क्या पता यार तू सुन रही है ना वो बोल रहा डायरेक्टली बात करने के लिए तुम हेलो हाँ जी मेरे पास एक मैसेज आया है आप मतलब आपकी बैंक के साइट से कि मेरा अमाउंट कि पूरा मेरा अमाउंट डिडक्ट हो गया है आप एक बार चेक करो उसमें ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा पूरा अमाउंट डिडक्ट हो चुका है हाँ मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देती हूँ 9874362122 हाँ यस प्रीति मौंगा क्या बोल रहे हैं
तो सर एक बात बताओ, अगर ये फेक होता, चलो मैं मानती हूँ कि अगर ये फेक होता तो इसमें मेरा पूरा अमाउंट कैसे पता उन लोगों को? मतलब अगर आपके बैंक में इतनी सिक्योरिटी तो होगी ना कि लोगों को मेरा अमाउंट कैसे पता चल रहा है कि मेरे बैंक में इतना है? उसमें साफ साफ लिखा है और एक एक पैसा सही लिखा हुआ है कि लाइक मेरे बैलेंस इतना ही था लास्ट, क्योंकि मैंने रात को ही कुछ ऑर्डर किया था तो मेरे पास मैसेजेस आए थे। आपको पक्का पता है आपके यहाँ पे शो कर रहा है? सर आपकी ऐप तो कभी वर्क ही नहीं करती है। क्या कह रहे हैं वो? आपको पक्का पता है? ओके एक बार और चेक करके मैं करती हूँ आपको कॉल। वो लोग बोल रहे हैं कि आपका जो बैलेंस था वो तो उतना ही का उतना ही दिखा रहा है। तो उनसे बोलना कि मैसेज आया है और ऐसा वैसा, तूने बोला तो उनने क्या बोला? मैंने उनको ये भी बोला, पता है मैंने ना, मतलब रात को तो नहीं बट मैंने कल उस टाइम पे ना, मैंने ना उसको, मैंने मतलब मिंत्रा से शॉपिंग की थी। मिंत्रा से शॉपिंग करने पर तो कुछ नहीं होता ना, मतलब हो भी सकता है बट हाँ ठीक है चल बता। तो उसमें जो मेरा लास्ट बैलेंस था ना, उसका मुझे मैसेजेस आए थे कि मेरा लास्ट बैलेंस इतना है, और वो सेम एग्जैक्ट मैसेज का मेरे को आया कि वो डिडक्ट हो चुका है। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हुआ, और इनकी ऐप तो कभी होती नहीं है, कमी नहीं। तो एक बार चेक कर दोबारा उसमें बैलेंस चेक कर। तो वो नहीं खुलता ना यार। एक बार कर तो सही, एक बार हो सकता है कि खुल जाए, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देख एरर आता है, ये देख ऐसे ही एरर आता है, रिफ्रेश करके देख, हो सकता है खुल जाए। यार वो लोग ऐसा बोल रहे हैं बट ऐसा पक्का मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये लोग कौन मेरे को पागल बना रहा है यार। इतनी बड़ी कंपनी में बैठ के वो लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? एक बार खोल के देख, खुल जाएगा देख तू खोल। ये क्या है? वही दोबारा मैसेज क्यों आया है? क्या चीज? ये लोग बोल रहे हैं कि कंफर्म हो गए। अब ये कंफर्म का मतलब क्या होता है? इसमें लिखा आ रहा है बैलेंस तो है बट कंफर्म क्या, इनका कहने का क्या मतलब है? योर पेमेंट ऑफ टेस्ट इज कंफर्मड एंड विल बी डिडक्टेड इन 1 आवर। अब ये कह रहे हैं 1 घंटे में कट जाएंगे। बात कर तू, एक्चुअली कस्टमर केयर से बात करो, उनको शायद पता होगा। उनको बोल फोन लगा के कि अब मैसेज पहले ऐसा आया था, आप बोल रहे हैं कि वो 1 घंटे में मतलब कट जाएंगे, अब कंफर्मेशन मैसेज आ गया है। ऐसे कैसे हो सकता है यार? नहीं होगा, तू बात कर ले उनसे। एक तो पता है इनकी इतनी सारी बातें सुननी पड़ती है, पहले वो लड़की आके बोलती रहती है। 3 दबाओ, तू बात करना, कर बात कर। हेलो हेलो, यस मैम, मेरी अभी मेरे बैलेंस के रिगार्डिंग बात हुई थी। एक्चुअली मेरा जो बैलेंस है वो निल शो कर रहा है, निल शो कर रहा था, उसका एक मैसेज आया था एंड अभी मेरे पास दोबारा ही मतलब बैंक की साइट से मैसेज आया है एंड सर उसके ऊपर पूरा मेंशनड है कि वो बैंक की साइट से है। अगर कोई फेक होता तो वो बैंक की साइट से नहीं होता तो वो मुझे भी दिख जाता। मुझे पता है मेरे बैंक के मैसेजेस किस तरीके से आते हैं, और ऊपर जो एग्जैक्टली सेम जैसा उनका नेम लिखा था लाइक CM और मतलब ऐसे करके CB और समथिंग, वैसा ही मुझे लिखा हुआ आया है। आप सर एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरा बैलेंस मुझे यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि वो 1 घंटे बाद कट जाएगा। बोल दे पहले मैसेज आया था कि कंफर्मेशन हो गई है, अब ऐसा करके पहले तो कटने का मैसेज आया था, अब कंफर्मेशन का है। पहले कटने का मैसेजेस आए थे और अब कंफर्मेशन, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आप इतना बड़ा बैंक चला रहे हो, आपको इतना तो पता होगा ना कि मेरे पे ऐसे ऐसे मैसेजेस कैसे आ रहे हैं, और आपकी साइट से ही आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ अपने आप से कुछ बना के बोल रही हूँ, उसमें साफ साफ लिखा है जैसे मुझे बैंक के मैसेजेस आते हैं एग्जैक्टली सेम वैसे ही वे में मैसेज आ रहे हैं, तो मैं फेक कैसे समझूँ इसको? आप समझ रहे हो किसी का पूरा पैसा लग गया है? आप ये तो बोलो कि उसको वो बोल रहे कंफर्मड हो गया है। चिल्ला मत, तुम थे तू पूछ उनसे क्या क्या हुआ, उनको स्टेटस बताएं क्या है। आप मुझे एक बार दोबारा चेक करके स्टेटस बताओ कि कट रहे हैं नहीं कट रहे या कटने वाले हैं, आपको तो पता होता होगा ना। आराम से बोल, आपको तो पता होगा ना मैम। अगर आप वहाँ पे चेक करके बता सकती हो ना, अगर ये मेरे डिडक्ट होने वाले हैं तो वो आपको वहाँ पे स्टेटस में शो हो रहा होगा ना। क्या बोलूं, बताना उनको, पूछना क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं वेट करो हम चेक कर रहे हैं। क्या तू उनको कैसे समझाऊं, मना कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, तू बात कर उनको, वो बताएंगे क्या कटे हैं कि नहीं कटने वाले कि क्या होगा। हेलो, हाँ मेरे पे ये मैसेज आ गया है कि वो अभी है
बट वो लोग ये बोल रहे हैं कि वो एक घंटे बाद कट जाएंगे, तो मैं अपना या तो सारा ट्रांसफर अपना बैलेंस खाली कर दूं आपके बैंक से, कोई पैसा ही नहीं रखूं आपके बैंक में, या तो मैं, मेरा तो दिमाग खराब हो गया ना यार। तेरे यार वार नहीं है वो, तमीज से बात कर थोड़ा। मैं यार बैंक वाले हैं वो, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सर मैं क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, मेरी बात करो। हाँ जी, नहीं नहीं एक्चुअली अभी मैसेज आया है कि एक घंटे पहले एक तो मैसेज आया था कि कट गए हैं, अब मैसेज आया है कि कंफर्मेशन हो गई है वो बैलेंस कटने वाला है। सो आप, हाँ जी आप श्योर हैं इस बात को लेके? मैंने कॉल आपसे रिकॉर्ड भी करा हुआ है, आप श्योर हैं? ठीक पकड़। क्या कह रहे हैं कि मतलब वो कह रहे थे ऐसा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैंने उनसे बोल दिया ना कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, अब उन्होंने बोला कि ठीक है सर अगर आपका कुछ भी होगा तो हम बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे बैठे हैं, मैं अपना सारा बैंक का पैसा ट्रांसफर कर दूं यहां तो। हाँ कर दे, हो सकता है मतलब किसी ने। यार एक तो इनकी ऐप नहीं खुलती है कभी। हाँ, मतलब कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, कभी एक बार कट गए कभी कट रहे हैं। उनका कहना था कि आपके संग किसी ने मैसेज करके प्रैंक करा है शायद। क्या क्या? अरे मतलब क्या बोल रहा था मैं, उन्होंने कहा ऐसा कि शायद किसी ने मैसेज करके प्रैंक करा है। ये प्रैंक नहीं है, ये साफ साफ नंबर लिखा हुआ है, तुम देखो ना। तो ऐसे कोई थोड़ी ना प्रैंक कर सकता है, मतलब ऐसे कैसे कर सकता है कोई। तो तुम देखो ना, ये लिखा है बीजी ऐसे करके, तो उसी का आता है ना। हाँ बिल्कुल, सी 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 बी। मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे कोई प्रैंक थोड़ी ना करेगा। हाँ मतलब ऐसे नंबर भी नहीं आता किसी का। क्या किया तूने? मतलब यार मतलब ये नंबर तेरा है दूसरा वाला? हाँ मतलब मैंने उसको सेंट्रल बैंक के नंबर से सेव कर लिया था और तेरे को मैसेज भेज दिया था, और मैं इतनी देर से तेरे को पका रहा था ऐसा वैसा ऐसा करके। जा ऐसे कोई मजाक करता है क्या किसी के साथ? किसी की जान निकाल दो किसी के बैंक अकाउंट के साथ, सारे मजाक तो जुड़ जाते हैं। ऐसे कोई मजाक करता है क्या किसी के साथ? बहुत पैसा पैसा कर रही थी ना, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? देखो किसी के पैसा पे नहीं बोलने का। देखो पता है जब जाता है। चल कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। कहाँ जा रही है? गाई तो मेरे साथ है। मतलब ये कैमरा चालू है? ऑब्वियसली चालू है। तभी लगा हुआ था।